भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक और निर्यातक है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों का ग्राफ हर साल ऊंचा ही जा रहा है, लेकिन सरकार इसकी खेती करने वाले किसानों के तीखे सवालों का सामना और समाधान करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। देश के दूसरे बड़े मिर्च उत्पादक सूबे तेलंगाना में सरकारी लापरवाही से करीब 9 लाख एकड़ में मिर्च की खेती थ्रिप्स नामक कीड़े के अटैक से प्रभावित है, लेकिन अब तक इसके नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्लांट प्रोटेक्शन को लेकर सरकार की उदासीनता आंकड़ों में ही दिख जाती है। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्लांट प्रोटेक्शन पर तय बजट का सिर्फ 88.09% खर्च किया। कीटों से मिर्च के पौधों को बचाने को लेकर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नकली कीटनाशकों पर भी रोक नहीं लग पाई है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी कीटों पर नियंत्रण करने की है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि इस साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मिर्च की फसल का नुकसान हो चुका है। हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इतनी लापरवाही तब है जब हम करीब 8,500 करोड़ रुपए की मिर्च का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मसाला बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, असम आदि मिर्च के प्रमुख उत्पादक हैं। साल 2020-21 में देश भर में 20,92,000 टन मिर्च का उत्पादन हुआ। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2871 किलो तक पहुंच गई है, जो 2001-2002 में सिर्फ 1215 किलो हुआ करती थी। वहीं 2020-21 में 8,429.75 करोड़ रुपए का मिर्च का एक्सपोर्ट किया गया, जबकि दो दशक पहले सिर्फ 252.44 करोड़ रुपए की मिर्च एक्सपोर्ट की जाती थी। भारत मुख्य रूप से चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, UAE, वियतनाम और इंग्लैंड को मिर्च का एक्सपोर्ट करता है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा ये है कि अब कम बुआई पर भी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। हर साल एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। पिछले दो दशक में मिर्च की उत्पादकता 2 गुने से भी अधिक हो चुकी है। अगर किसानों को इसकी खेती की चुनौतियों से निपटने में सरकारी सहयोग मिले तो कृषि की तस्वीर ही बदल जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक मिर्च के रंग, आकार, तीखेपन व उपयोग के आधार पर पूरी दुनिया में लगभग 400 किस्में की मिर्चें मौजूद हैं। भारत में भी रंग, आकार, तीखेपन व उपयोग के आधार पर लगभग 50 से अधिक किस्में मौजूद हैं। वर्ष 2018 के दौरान भारत की मिर्च के विश्व बाजार में 50% के लगभग हिस्सेदारी रही, जबकि चीन की 19% थी। बताया जाता है कि नागालैंड की राजा मिर्च भारत की सबसे पुरानी मिर्च की किस्म है। यह सबसे तीखी मिर्च में शामिल है। इसे GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। जब मिर्च की बात होगी तो गुंटूर का भी जिक्र होगा, जो भारत में सबसे बड़े मिर्च उत्पादक सूबे का प्रमुख उत्पादक जिला है। यह एशिया की सबसे बड़ी लाल मिर्च मार्केट है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।